मैं तो कहता हूं इस किस्म के आदमी को पकड़ कर सरेराह गोली लगानी चाहिए कि जो इस किस्म की हरकत करता है, जो हमारे भाई डोमेन में आना चाहिए कि आखिर ये किसने किया, उसको सजा कैसी। बिल्कुल, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये हमारी पुलिस का काम है, हमारी एजेंसियों का काम है कि इस किस्म के आदमी को जो यहाँ का एक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले बीते कुछ दिनों की अगर बात करते हैं, उसमें जो आपसी भाईचारा है आप देख रहे हैं किस तरह के शरारती तत्वों की अगर हम बात करते हैं, वो आपसी भाईचारे में जो है वो खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था कि सिद्धरा में जो एक मंदिर की मूर्तियों को तोड़ दिया गया, उसके बाद आपने देखा रामपुरा वाली साइड की अगर हम बात करते हैं, वहां पर भी एक मंदिर की जो है वहां पर एक हरे रंग का जो है वो झंडा लगाया गया, और उसके साथ आपने देखा कि सीसीटीवी कैमरे में एक युवक जो है वो दिखाई दे रहा था जो हरा झंडा पकड़ के उस तरफ आ रहा था। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट भी हुए और लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ पर जो है जल्द से जल्द जो है उन पर कार्रवाई की जाए ताकि जो आपसी भाईचारा है उसमें खलल ना पड़े, यानी उसमें मनमुटाव ना हो। और हमें आ रही अक्सर ये कोशिश रहती है कि आपसी भाईचारा जो है कायम रखा जाए। तो भी हमारे साथ इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आशिक हुसैन जी हैं जो प्रेसिडेंट हैं शिया फेडरेशन के। सर, सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि काफ़ी अगर सालों की बात करें, बड़े पुराने समय से आपसी भाईचारे की हम मिसालें दे रहे हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के हालात इस तरह के नहीं लग रहे। देखिए, सबसे पहले मैं आपके मशकूर हूँ कि आपने इस विषय पर मुझे बोलने के लिए कहा। ऐसा है कि यहाँ काफ़ी अरसे से वक्तन फक्तन इस किस्म की जो हरकतें हो रही हैं कि यहाँ का जो माहौल, एक पुरअमन माहौल जो है, ऑलरेडी यहाँ बारे काफ़ी अरसे से हालात यहाँ के ठीक नहीं हैं, मगर उसके बावजूद यहाँ के अंदर की या बाहर की साजिशें कुछ इस किस्म के लोग कर रहे हैं ताकि यहाँ जम्मू कश्मीर की रियासत के अंदर जो है एक जो पुरअमन फिज़ा बनी हुई है, आपसी भाईचारा, यकजहती है, रवादारी है, उसको कहीं ना कहीं उस जख्म पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल में देखा आपने सिद्धरा में एक हमारे मंदिर है, मंदिर हो या मस्जिद है, खुदा के घर हैं, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, ये सभी पाक व पाकीज़ा मकाम इनको हासिल है, तो उसको तोड़ा गया है वहाँ। उसके बाद यहाँ शास्त्री नगर, रामनगर में, रामपुर में वहाँ एक सब्ज झंडे की वो चढ़ाया गया वहाँ। इस तरह छोटी छोटी वारदातें और भी हो रही हैं। इससे क्या होता है कि वो जो शरारती तत्व जो है, जो शरारती लोग जो हैं, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ का माहौल जो है पूरा मन रहे, क्योंकि हमें 70 साल हो गए 47 से आज तक, 47 में जो जख्म लगा दोनों तरफ लगा, दोनों साइड में, एक की बात नहीं करूँगा, हर एक तरफ लगा ये, और उसके बाद आहिस्ता 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 70 साल लगे हमें, आज हम यहाँ खड़े हैं कि जहाँ हम एक दूसरे के घर में आना जाना, शादी ब्याह, गमी खुशी, प्यार मोहब्बत, त्यौहार जो है, ईद हो या दिवाली हो, हम सब जो हैं मिलजुल के मनाते हैं, ये गुरुपुर्व भी हो, क्रिश्चनों का त्यौहार हम इकट्ठे मिलकर करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं जो शरारती अंसर है, फिरका परस्त अंसर जो है, वो चाहे अंदर का हो या बाहर का हो, जो नहीं चाहता है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर अमन शांति कायम हो, तो वो इस किस्म की साजिशें करते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि इतनी बड़ी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, इतने बड़े हमारी एजेंसियाँ काम कर रही, इतने बड़े डिपार्टमेंट हमारे पास हैं, तो इस किस्म के लोग अगर आके इस किस्म के हरकतें करके चला जाए और वो आइडेंटिफाई ना हो, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ इस किस्म के आदमी को पकड़ कर सरेराह गोली लगानी चाहिए कि जो इस किस्म की हरकत करता है, जो हमारे भाई डोमेन में आना चाहिए कि आखिर ये किसने किया, उसको सजा कैसी। बिल्कुल, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये हमारी पुलिस का काम है, हमारी एजेंसियों का काम है कि इस किस्म के आदमी को जो यहाँ का एक माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, कत्ल वारदात का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे कुछ भाई जो हैं इससे उनको गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं, वो जल्द से जल्द निकालना शुरू हो गए हैं कि हम मुसलमानों को मार देंगे त्रिशूल लेके। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भी बड़े तहमल मिजाजी से, जो यहाँ का सबसे बड़ा तबका हमारा है मुसलमानों का, हम अकलियत में हैं, हमारे सबसे बड़े अल्लाह के बाद हमारे जो हमारा जो आसरा है, भरोसा है, वो हमारे हिंदू भाई हैं, क्योंकि मेजॉरिटी में है, तो हम इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, शादियों में, गमी में, खुशी में, ये हमारा एक यहाँ का एक माहौल जो है, ये हमारा एक माहौल ऐसा है, वातावरण ऐसा है कि हमारी आपस में भाईचारा जो है ये बना हुआ है, तो इसको जो है तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं तमाम अपने बड़े भाई जो हिंदू भाई हैं, वो तमाम जो यहाँ के जम्मू की तंजीमें हैं, जिसमें वो पर्यटन विकास मंडल है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बार एसोसिएशन है, सिविल सोसाइटी है, इस तरह बहुत सारे जो हमारे सोशल जो ग्रुप्स बने हुए हैं, जो सोशल काम करते हैं, भाईचारे पे काम करते हैं, सबसे अपील करूँगा कि ये इम्तहान की घड़ी हमारे लिए है, हमें मिलजुल कर इस रियासत को, इस मुल्क को हमने बनाना है,
इसकी छवि को हमने बाहर अच्छी अच्छा नाम देना है, ये ना हो कि हमारी छवि जो है जो बदनाम होती है, तो इस किस्म के लोगों को एक सवाल क्रेडिट मेरा करना। यहाँ पर रहेगा, कहा यह भी जा रहा है कि इलेक्शन आने वाले इस तरह की हरकतें जो है वो ज्यादा तेज हो रही हैं। और यह भी आपका कहना दुरुस्त है, जब जब यहाँ बिगल बजता है इलेक्शन का तो इस किस्म की हरकत जो है जम्मू कश्मीर में शुरू हो जाती है, तो उसको भी हमने देखना है कि काफ़ी अरसे से यहाँ गवर्नर रोल लगा हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर रोल कर रहे हैं, यहाँ की नुमाइंदा गवर्नमेंट नहीं है। मैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ 24 तारीख को टूर करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, उनसे भी इसी आपके इस वसातत से, चैनल के वसातत से अपील करूँगा कि यहाँ की जो लोगों की काफ़ी अरसे से जो है नुमाइंदा सरकार जो है, बिल्कुल अवामी सरकार जो है, बिल्कुल क्योंकि वो जब यहाँ बनेगी तो यहाँ के लोगों को जो है बेचैनी जो है वो दूर हो जाएगी, जो परेशानी है, अपसेट माइंड है लोग यहाँ के, बिल्कुल सुकून नहीं है उनको, बेचैनी है, तो वो दूर हो जो होने की कोशिश करेंगे। मैं अपील करूँगा उनसे, गुजारिश करूँगा कि उनका जो यहाँ आके ऐलान करें और यहाँ की जो इंडस्ट्री है या दरबार मूव जो मसला है उसको भी यहाँ बहाल करें, ताकि यहाँ का कारोबार जो है जम्मू यानी का आप चला चाहते जाए, हैं दरबार मूव की प्रक्रिया दोबारा शुरू दोबारा से करें। शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पुराने पुरखों ने जो है, बुजुर्गों ने वो इसलिए रखा था महाराजा हरि सिंह वगैरह ने, कि यहाँ का भाईचारा, इसका मकसद यही था भाईचारा बना रहे और तीनों खित्ते लद्दाख कश्मीर और जम्मू को हिंदुस्तान के साथ जोड़े रखा बिल्कुल जाए और भाईचारा जो यहाँ का बना रहे, उसका मकसद यही था। उससे भी हमें काफ़ी इसमें दशक लगा है, जम्मू की जो इंडस्ट्री है इसको काफ़ी दशक लगा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ युवाओं के लिए जो है नए नए रोजगार खोलेंगे और यहाँ का जो सड़कों पे हमारे डेली वेजेस हैं उनके लिए भी ऐलान करेंगे परमानेंट करने के लिए, और जो होटल इंडस्ट्री है टूरिज्म को बढ़ावा बिल्कुल देंगे, होटल इंडस्ट्री को जो है पैकेज दें ताकि वो दोबारा से खड़े हो जाएंगे, अरबों खरबों का नुकसान उनका हुआ है। जी, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आशिक हुसैन जी, जिन्होंने बहुत प्यारी बात है जो बहुत कम शब्दों में कह दी कि भगवान का घर तोड़ने वाले इंसान को जो है वो कभी बख्शा नहीं जाना चाहिए, और उसे बीच चौराहे में जो है वो बिल्कुल दूसरों के लिए सबक होना चाहिए कि क्या सजा उसको मिली है, ताकि दोबारा कोई ऐसा करने जाए उसे पता चले कि इस तरह की सजा जो है दी जाती है, इससे क्राइम जो है वो कम होंगे। और ये भी है कि चुनी हुई सरकार का होना बहुत जरूरी है, जिससे लोगों के मसले जो है वो हल हो सकते हैं। अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए, क्योंकि ये जो मसला है ये आपसी भाईचारे से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्बुलेटिन। आशिया खान सतला।